नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सचिन तेंदुलकर ने द ग्रेट कपिल शर्मा शो में आने से मना क्यों कर दिया। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबाकर मेरा चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपने आप लगातार मेरे वीडियोस मिलते रहे। दोस्तों कपिल शर्मा के शो में अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए लगभग हर बड़े स्टार्स शामिल होते ही हैं, फिर चाहे आज के जनरेशन के हों या फिर पुराने जमाने के। लेकिन इसके बावजूद कपिल को आज तक अफसोस है कि वो आमिर खान की तरह सचिन तेंदुलकर को कभी अपने शो में बुलाने पर राजी नहीं कर पाए। दोस्तों दिलचस्प बात तो ये है कि इस बार मौका भी था और दस्तूर भी। सचिन पर बनी फिल्म इसी हफ्ते यानी कि आज रिलीज हुई है। ऐसे में सब जो स्टार्स होते हैं फिल्म से पहले फिल्म की प्रमोशन करते हैं अलग अलग चैनल में जाने से। आप देखते हो कि सब लोग कपिल शर्मा के शो में तो आते ही आते हैं। सचिन भी कई मराठी चैनलों पर जाकर अपनी फिल्म का प्रमोशन करके आए, तो कपिल को भी ये उम्मीद थी कि इस बार सचिन उनकी गुजारिश स्वीकार कर सकते हैं। और सूत्रों के मुताबिक कपिल ने सचिन को काफी अप्रोच करने की कोशिश भी की। कपिल की पूरी टीम की कोशिश थी कि सचिन इस बार किसी भी रूप में कपिल के शो में आने के लिए मंजूरी दे दे, चाहे फिल्म के प्रमोशन के नाम पर ही क्यों ना हो। लेकिन कपिल की बात दोस्तों नहीं बन पाई। करीबी सूत्र बताते हैं कि सचिन ने अपनी प्रमोशन टीम से साफ साफ कह दिया था कि वो किसी भी हिंदी रियलिटी टीवी शो पर नहीं जाएंगे। ऐसे में जाहिर था कि कपिल का नंबर नहीं आना था। शायद यही वजह रही होगी कि कपिल ने क्रिकेट को समर्पित एक एपिसोड बनाया जिसमें इस बार कई सारे क्रिकेटर आए भी थे दोस्तों। लेकिन सचिन तेंदुलकर को लाने में कपिल शर्मा कामयाब नहीं हो पाए। चलो खैर दोस्तों उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम दुआ करेंगे कि कपिल शर्मा कभी ना कभी अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाए। तो दोस्तों देखते रहिए हंगरी स्पिरिट चैनल एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।